मुसलसल बदतरीन कारकर्दगी की वजह से बाबर आजम 5 साल के दौरान टॉप 10 से भी बाहर हो गए। सो बाबर आजम जो हमारी प्राइड है, हमारी बैटिंग का पिलर है, वो बैटिंग का पिलर जो है वो अब टॉप 10 से निकल के बाहर आ गया। देखिए असल चीज, हम क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे, हमारे बैट्समैन अच्छा नहीं खेल रहे, सेंसिबल क्रिकेट नहीं खेले, जिसकी वजह से हम क्रिकेट हार रहे हैं। Abhay sahab, if we talk about Babar, 16 innings and 21 point something average. Performance को देखते हुए ranking में भी अब difference आया, 9वें number से वो 12वें पे चले गए। देखिए क्या कहेंगे? इसके सबसे बड़े जिम्मेदार अगर बाहर देखा जाए तो वो कोई और तो नहीं है, खुद है वो, खुद है बाबर खुद है। ये बताएं कि बाबर आजम 12वें नंबर पर आ गए टेस्ट रैंकिंग में, वो 3 नंबर पे थे और शुरू हुआ साल, एक साल में आपने अपनी क्रिकेट को अपने हाथों से नोच डाला है, हमने नहीं किया उसमें कुछ। बिल्कुल सही हुआ है, मैं तो कहता हूँ ये कोई टॉप 50 में से भी निकले जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हैं, क्योंकि इतना गंदा दौर, इतना डार्क और घटिया टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट में कभी भी नहीं आया। ये तब आया है कि जब रिजवान खेल रहा है, बाबर खेल रहा है, शाहीन खेल रहा है। क्योंकि बाबर आजम लगातार 15 इनिंग्स में 50 रन भी नहीं कर पाया आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में, इसलिए वो टॉप 10 से बाहर हो चुके हैं। टोटल जो रैंकिंग चल रही है इस वक्त, इंडिया का कब्जा है, ओडीआई में इंडिया का कब्जा है, टी20 में टेस्ट में वो दूसरे नंबर पर है। तो ये है ये रैंकिंग कादिर बहुत ऑथेंटिक तरीके से हो रही है जब से जेशा साहब जो है वो ओहदे पर आए। नहीं नहीं, इसमें कोई चीज नहीं होती, रैंकिंग जो है वो पॉइंट्स के हिसाब से होती है, आपकी आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से होती है। बाबर आजम की विशेषता 18-19 इनिंग्स में जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से उनकी रैंकिंग ड्रॉप हुई है। हर चीज में हम क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे यार, हमने सेंसिबल क्रिकेट नहीं खेली, अब तो किसी की इज्जतें भी महफूज नहीं है। प्लेयर्स को बढ़ा के पेश करना, किंग बना देना, हमें मीडिया में तो किसी ने नहीं कहा कि बाबर आजम किंग है भाई। बाबर आजम का कंपैरिजन कोहली से हो रहा है, कोहली से हालांकि उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये बहुत ही ठीक हो रहा है कि इनकी जो रैंकिंग बैंकिंग जो तगमे शगमे हैं ये सब इनसे वापस। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मुसलसल बदतरीन कारकर्दगी की वजह से बाबर आजम 5 साल के दौरान टॉप 10 से भी बाहर हो गए। सो बाबर आजम जो हमारी प्राइड है, हमारी बैटिंग का पिलर है, वो बैटिंग का पिलर जो है वो अब टॉप 10 से निकल के बाहर आ गया। अभी कल ही मैं 2021 T20 वर्ल्ड कप की इंडिया वाले मैच की हाईलाइट देख ली थी, एंड कहां गए वो बाबर आजम। प्लेयर्स को बढ़ा के पेश करना, किंग बना देना, हमें मीडिया में तो किसी ने नहीं कहा कि बाबर आजम किंग है भाई। बाबर आजम का कंपैरिजन कोहली से हो रहा है, कोहली से हालांकि उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मीडिया वाला कोई नहीं है, सोशल मीडिया के हो सकते हैं या वो फ्रेंचाइज टीम हो सकती है। बट गलत बात वहां से शुरू होती है जहां वो प्लेयर खुद को ये अज्यूम करने लगे। तो इन प्लेयर्स की भी गलती है कि वो अगर देखे, हर किसी को पता होता है कि मैं कैसा हूं और मैं कौन हूं, सेल्फ रियलाइजेशन होती है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी सबसे पहला स्टेप होता है। क्या सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई है? क्योंकि हम पाकिस्तान टीम के लिए ये कहते थे कि ये वो टीम है जो कॉर्नर टाइगर्स है, आप बिल्ली को भी दीवार से लगाते हैं तो वो पंजा मारती है, ये तो बिल्ली वाला काम भी नहीं कर रहे। सवेरा यहाँ पे ना अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई है, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की तो आप बात ही मत कीजिए। ये सिर्फ आते हैं पैसा कमाने, ये मुल्क को या मुल्क की प्राइड को सीधा करने नहीं आते, इनके नजदीक सिर्फ जो है ना वो पैसे की अहमियत है, प्राइड की अहमियत नहीं। ये बताएं कि बाबर आजम 12वें नंबर पर आ गए टेस्ट रैंकिंग में, वो 3 नंबर पे थे और शुरू हुआ साल, एक साल में आपने अपनी क्रिकेट को अपने हाथों से नोच डाला है, हमने नहीं किया उसमें कुछ। जो बाबर को डिफेंड करना चाहता है ना, मैं उसे चलो ये बता देता हूँ, क्रिकेट पे सच बोल रहा हूँ, अब हम उससे 20 मिनट मिल लो, तुम लोग डिफेंड भी ठीक नहीं कर रहे, आता ही नहीं, तुम्हें आता ही नहीं, क्यों अगर तुम्हें उसको बचाना है कैसे बचाओगे? अबे हम तो मारते हैं घंटे पे। इसके अलावा मैं अकेले में सोच रहा हूँ यार, हमारी क्रिकेट इतनी गई गुजरी हो गई। भाई अमर भाई ने कहा था ड्रेविड है वो बन जाएगा। अबे ये कैसे बल्ले बाहर जा रहे खड़े खड़े यार, दो नंबर हुई है यार, किसने चांद को गिराने यार, चांद को गिरा, बर्दाश्त कर रहा हूँ दो दिन से यार, सरफराज के खड़े खड़े बल्ले बाहर जा रहे, क्रीज से बाहर निकल के शॉट, ये छोटी चील, ये ग्लैडिएटर का 33वें सिफर, ये इतना सीधा खेलता है, ये क्यों उटपटांग क्रिकेट खेला है बाद में। बाबर आजम को पूरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल देनी चाहिए, ये वाली भी, ताकि अगर कोई लानत बच गई तो वो भी उठा लेगी। तो रैंकिंग जो अपडेट हुई है, तो बाबर आजम कोई तकरीबन 4.5 साल के बाद अभी टॉप 10 में से, तीनों फॉर्मेट में बंदा कहीं ना कहीं मौजूद ही रहते थे, तो अब नीचे गए हैं। टीम का सत्यानाश, बेड़ा गर्क, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं और शर्मिंदगी वाले रिकॉर्ड बन रहे हैं, तो आप किस चक्कर में जनाब ऊपर बैठे हुए हैं टॉप 10 में इतने अरसे से जो टॉप 10 में है, तो पाकिस्तान ने क्या कमाल कर लिया, क्या कौन सी बहुत सी शानदार परफॉर्मेंसेस दिखा दी हैं कि जो जनाब आप ऊपर टॉप ऑफ द लैडर, कहीं टॉप 5 में है, कभी टॉप 10 में है, इतने साल हो गए हैं, इतने दिन हो गए हैं, इतने महीने हो गए हैं, तो किस चक्कर में भाई? तो बिल्कुल ठीक हुआ, बिल्कुल सही हुआ, मैं तो कहता हूं ये कोई टॉप 50 में से भी निकले जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हैं, क्योंकि इतना गंदा दौर, इतना डार्क और घटिया टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट में कभी भी नहीं आया। ये तब आया है कि जब रिजवान खेल रहा है, बाबर खेल रहा है, शाहीन खेल रहा है, और वो पाकिस्तान की टीम का नाम और मुकाम बेड़ा कर रहे हैं।
तो ये यही डिजर्व करते हैं, इंडिविजुअल ग्लोरी के लिए खेलते खेलते पाकिस्तान का पूरा सत्यानाश कर दिया। सिर्फ बाबर आजम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, लेकिन चूंकि ही वाज द कैप्टन जब से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है, हार हार और हार, तो इसलिए बहुत ज्यादा जो ब्लेम है वो बाबर आजम को जाता है कि बाबर आजम की कप्तानी में यह सिलसिला शुरू हुआ, और अब जबकि कप्तानी का बर्डन नहीं है तो बैटिंग में भी कुछ नहीं हुआ, ना ऑस्ट्रेलिया में ना घर में खेलते हुए। आई डोंट नो हाउ दिस रैंकिंग सिस्टम ये कैसे काम करती है, क्या हिसाब किताब है इसका, एल्गोरिथम कोई अजीबो गरीब सा ही है, इनको किन बॉलर्स के खिलाफ किन कंडीशन में कहीं ना कहीं करते वगैरह, ये चीजें भी बीच में, और किस पोजीशन पे रन आए हैं, इन सबके नंबर होने चाहिए। अगर इन सबके नंबर होते तो बाबर शायद के टॉप 10 में कभी मौजूद नजर ही ना आते, क्योंकि जो रन जब आ भी रहे थे तो कौन सा पाकिस्तान जीत रहा था। तो बहुत अच्छा हुआ, टीम का बेड़ा गर्क, सत्यानाश, और जब भी देखो रैंकिंग निकाल के जनाब ये कहीं ना कहीं बीच में विराजमान होते हैं। हाँ जी, रैंकिंग बड़ी शानदार है, बाबर तो बीच में मौजूद है, बाकी फिर क्या करें। तो बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन बात है कि ये जो डार्क तरीन टाइम है पाकिस्तान की क्रिकेट का, तो उसके जिम्मेदार जो है, जिनकी कप्तानी में यह सिलसिला शुरू हुआ, वो बाबर आजम है। कोई बल्ले से रन नहीं निकले, और अभी तो देखे ना इतलात भी आ रही है, वो मोहम्मद वसीम भी बातें कर रहा है कि जनाब बाबर आजम किसी की सुनता नहीं है, ये तो जनाब काफी स्टबन है, ऐसा है तो वैसा है। ये बहुत ही ठीक हो रहा है कि इनकी जो रैंकिंग बैंकिंग जो तगमे शगमे है ये सब इनसे वापस लेने चाहिए। बाबर साहब, इफ वी टॉक अबाउट बाबर, 16 इनिंग्स एंड 21 पॉइंट समथिंग एवरेज परफॉर्मेंस को देखते हुए रैंकिंग में भी अब डिफरेंस आया, 9वें नंबर से वो 12वें पे चले गए, क्या कहेंगे? इसके सबसे बड़े जिम्मेदार अगर बाहर देखा जाए तो वो कोई और तो नहीं है, वो खुद है बाबर, खुद है। जिक्र कर चुके हैं कि आज बाबर अगर इस मुश्किल का सामना आया, देखिए लोग विराट के साथ उसका मुवाजना करते हैं ना, फॉर्म का या रन का, या वो 100 नहीं कर पाए तो विराट के बारे में ये बात होती थी कि वो 100 नहीं कर पाए, लोगों को 100 का इंतजार था उसके, और पाकिस्तान की इस बाबर आजम के इस हवाले से लोग अब अभी लोग ये भी ख्वाहिश रखते हैं, कल से लोग इसके ऊपर कर रहे हैं जी, वो वक्त जब बुरा वक्त मुश्किल वक्त उनके ऊपर था तो बाबर आजम ने सपोर्ट किया था और लिखा था जी कि ये विराट के लिए ये वक्त भी गुजर जाएगा, ठीक है अब विराट को भी करना चाहिए। वो यार क्या मतलब बात कर रहे हैं, दो ये शेर, मैं शेर को नहीं खाता तो शेर मुझे भी नहीं खाएगा, ऐसे ऐसे ये तो होती है। विराट ने तो अपनी कप्तानी जब उनसे ले ली बीसीसीआई ने, तो वो उसके बाद भी बेस्ट परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। आप 2023 का वर्ल्ड कप देख लें, आप 2024 के T20 वर्ल्ड कप देख लें, तो आपको नजर आएगा इसके अलावा जो उन्होंने 2022 में खेला अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान में क्रिकेट डिक्लाइन की तरफ गई है। बाबर आजम जो कि टॉप 10 टेस्ट के बैट्समैन में थे उनमें से भी बाहर हो चुके हैं, जिसमें मेरे ख्याल से कि बाबर आजम आई गेस के एक अच्छे नंबर पर थे, जहां पर जो रूट थे, डैरिल मिचेल थे, स्टीव स्मिथ थे, जयसवाल भी थे, लेकिन अब वो टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो गए, 12वें नंबर पर आ गए। जो पहले रेटिंग आई थी आईसीसी की उसमें वो 9वें नंबर पे गए थे, और अब दूसरे मैच में नाकस परफॉर्मेंस के बाद बाबर आजम 12वें नंबर पर आ चुके हैं। ये रैंकिंग रैंकिंग कादर बहुत ऑथेंटिक तरीके से हो रही है जब से जेशा साहब जो है वो ओहदे पर आए। नहीं नहीं, इसमें कोई चीज नहीं होती, रैंकिंग जो है वो पॉइंट के हिसाब से होती है, आपकी आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से होती है। बाबर आजम की 18-19 इनिंग्स में जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से उनकी रैंकिंग ड्रॉप हुई है। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर जरूर है, लेकिन अपने ऊपर ध्यान दे, कम अज कम रैंकिंग पे प्लेयर की खासतौर पर बहुत फर्क पड़ता है उसको, उसकी परफॉर्मेंस को, और उसके इवन देखे बाबर परफॉर्म करता है तो उसका फायदा अल्टीमेटली पाकिस्तान को होता है, पाकिस्तान टीम को होता है, पाकिस्तान के जो है आवाम खुश होती है। अगर बाबर आजम परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो फिर उसके बाद जो है वो तमाम तरह चीजें काफी हद तक प्रेशराइज हम देखते हैं होती है, प्लेयर दूसरे ही परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होते ये, लेकिन बाबर को खुद अपने साथ सीरियस होने की जरूरत है, अपनी गेम पर ध्यान देना चाहिए, कोचिज के साथ मशवरा करना चाहिए, खुद से आने नहीं बनना चाहिए कि आप जब अपने आप को बेहतर अकलमंद समझने लगते हैं उस वक्त आप जो है वो ठोकरे खाते हैं और उस वक्त आप पे परेशानी आती है। तो जब उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम आएगा, जब उनको हवस आएगी कुर्सी की, लालच आएगा, तो उस टाइम पर आपकी परफॉर्मेंस और आपकी जब नियत खराब होती है उस टाइम पे नुकसान पाकिस्तान का। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है कादर, आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।